A very good morning to all. This is Shelly Arora. Welcome back in science class. We are going to start our second chapter, microorganism. Microorganism, friends and foe. Microorganism क्या है बच्चे? Microorganism मतलब सूक्ष्म जीव, बहुत छोटे जीव. Friend and foe, वो हमारे friends भी हैं और foe भी हैं, दोस्त भी हैं और दुश्मन भी. Microorganism are present all around us. बट दे आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेक्ड आई. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? हमारे चारों तरफ हैं. वो कहाँ कहाँ हैं? वो सॉयल में है, एयर में है, वाटर में है, हर जगह हैं वो, ठीक है. पर वो बहुत छोटे हैं, वो हम नेक्ड आई, नेक्ड आई मतलब अनएडेड आई, या फिर हम कहते हैं नंगी आंख, बिना माइक्रोस्कोप के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम नहीं देख पाते, ठीक है. दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द एटमोसफियर, एयर, वाटर एंड सॉयल, हर जगह होते हैं वो. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, बहुत ज्यादा छोटे हैं ये, जो अनएडेड आई से नहीं देख सकते. दे कैन बी सीन ओनली विद द माइक्रोस्कोप, मतलब इनको देखने के लिए हमें किसकी हेल्प, किसकी नीड होती है, किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? माइक्रोस्कोप की. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यानी कि ये क्या होते हैं? सिंगल सेल वाले भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, या तो एक सेल के बने होते हैं या फिर कई सारी सेल के बने होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट अलोन और इन कॉलोनीज, यानी कि वो अकेले भी एग्जिस्ट करते हैं और ग्रुप में भी, ठीक है. ये आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक पिक दिखा रखी है. आपने बहुत बार देखा होगा कि रेनी सीजन में कई बार गीली सी ब्रेड हो जाती है, कई दिनों तक कोई रोटी या ब्रेड पड़ी रहती है, तो वो ऐसी हो जाती है, फंगस सी आ जाती है उसके ऊपर. तो वो क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक और डेफिनेशन बोलती हूँ मैं आपको. These are tiny living organism that can be only seen with a microscope. ठीक है, ये भी है और एक ये भी है. और इनको हम सिंपली क्या, microbes भी बोलते हैं. Microbes, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम? Microbes. और साइंस, साइंस की वो ब्रांच जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ डील करती है, उसको क्या बोलते हैं हम? Microbiology. ठीक है, उस ब्रांच को, साइंस की उस ब्रांच को जो डील करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं हम जिस ब्रांच में साइंस की, उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी. क्लियर. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी यूजफुल टू अस, वाइल सम अदर कोज डिसीज. कुछ हमारे लिए यूजफुल है और कुछ क्या करते हैं? डिसीज स्प्रेड करते हैं. डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कोल्ड पैथोजन. क्या बोलते हैं हम उसको? पैथोजन बोलते हैं. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियां फैलाते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजन. टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देर आर फोर मेन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. चार मेन टाइप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की. कौन सी हैं? बैक्टीरिया, एल्गा, फंगी, प्रोटोजोआ, और एक वायरस भी है, फिफ्थ है एक. ये चारों हैं, ठीक है. ये चार मेन है और एक वायरस भी है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हम कंसीडर करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया की. बैक्टीरिया क्या है? सिंपलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये यूनिसेलुलर है, या हम इनको क्या बोलते हैं? सिंगल सेल्ड भी बोलते हैं. ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं बच्चे, रोड शेप के हैं, स्पाइरल शेप के हैं, कोमा शेप्ड के आते हैं. बैक्टीरिया आर इनविजिबल टू ना नेक्ड आई. अंडर ऑप्टिमल कंडीशन बैक्टीरिया कैन ग्रो रैपिडली. कुछ कंडीशन हैं, फिक्स कंडीशन है, वहां पे ये ग्रो कर जाते हैं. अदरवाइज ये क्या है? नेक्ड आई से ये इनविजिबल है, हम देख नहीं पाते इनको नेक्ड आई से, ठीक है. इसके बाद बात करते हैं हम एल्गा की. ये सभी इनकी टाइप्स हैं, बैक्टीरिया की स्पाइरल और रोड शेप्ड आ गई, एल्गा की कैल्मोडोमोनोज और स्पायरोगैरा आएगी, ठीक है. ये इनकी शेप्स दे रखी है, इनकी टाइप्स आगे. एल्गा क्या है बच्चे? सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है ये, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है. और ये कहाँ होता है? ये मोस्टली पानी, रुके हुए पानी में होता है, दलदल बोलते हैं ना हम जिसे. और ये ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल होता है इसमें, और ये अपना खाना खुद बनाते हैं ये, ठीक है. दे प्रोसेस क्लोरोफिल एंड कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ क्या है? यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. ये क्या है? हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं. और इनके एग्जाम्पल क्या है? अमाइबा, पैरामीशियम, ठीक है. नेक्स्ट आता है फंगी. फंगी क्या है? दे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म विच आर मोस्टली
saprophytes, while some are parasites. They may be unicellular or multicellular. ये क्या है? Unicellular मतलब unicellular में इसका example क्या है? Yeast है और multicellular में mushroom है. Clear? Next हम पढ़ेंगे virus. वायरस आर ऑल्सो कंसिडर एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वायरस को भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये भी. दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इन द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल. ये क्या है? वायरस क्या है? मतलब इनको होस्ट बॉडी चाहिए होती है तभी ये रिप्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, इन ये कोई और मीडियम में नहीं होते. होस्ट मतलब इनको किसी चीज की कोई किसी होस्ट चाहिए, कोई बॉडी चाहिए ताकि ये मल्टीप्लाई हो सके, ताकि ये रिप्रोड्यूस हो. बॉडी चाहे वो बैक्टीरिया की हो, प्लांट की हो, एनिमल की हो या ह्यूमन की हो. कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस. सीरियस डिसीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स एंड ऑल्सो आर ऑल्सो कोल्ड कॉज्ड बाय वायरसेस. यानी कि ये सारी डिसीज क्या है? ये वायरस की वजह से होती है. कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सारी डिसीज हैं, ये वायरस की वजह से ही होती है. यस, हम आगे बात कर रहे हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड आर फोए. ये देखिए फ्रेंड्स कैसे हैं और ये फोए कैसे हैं. पहले हम फ्रेंड्स की बात करते हैं, ये एज अ फ्रेंड कैसे ट्रीट करते हैं. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइव्स. सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीज. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, उनके फायदे भी हैं और उनके नुकसान भी हैं. देखिए पहले उनके फायदे देखते हैं हम. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है. फॉर मेकिंग चीज पनीर बनाने के लिए, पिकल, ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज, अल्कोहल, वाइन, वेनेगर, इन सभी को बनाने के लिए क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. देखिए अब पहला है मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क. दूध से दही कैसा बनता है? द बैक्टीरियम कोल्ड लैक्टोबैसिलस रिप्रोड्यूस इन मिल्क एंड हेल्प टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. यानी कि दूध में जब ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होता है तो ये दूध को दही में कन्वर्ट करता है. ठीक है, ये आपको एज इट इज नेम बच्चे लर्न करने हैं. नेक्स्ट है मेकिंग ब्रेड. ब्रेड को बनाने के लिए कौन सा? द फंगस कोल्ड ईस्ट रिप्रोड्यूस इन फ्लोर डॉट एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच मेक्स द डफ सॉफ्ट एंड हेल्प इन मेकिंग ब्रेड, केक, बिस्किट, पेस्ट्रीज एटसेट्रा. ठीक है, मतलब ब्रेड कैसे बनती है? ये फंगस ईस्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये डॉट यानी कि आटे में प्रोड्यूस होती है, CO2 प्रोड्यूस हो जाती है और फिर वो क्या करती है? सॉफ्ट कर देती है और उसको फुला देती है. जब वो फूल जाता है तो फिर उससे ब्रेड, केक, बिस्किट वगैरह वो तैयार होती है. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कमर्शियल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कमर्शियल यूज कैसे, मतलब इंडस्ट्री वगैरह में कैसे यूज होते हैं, कमर्शियल लेवल पे कैसे यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर लार्ज स्केल रिप्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड. मतलब अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन के लिए, एसिटिक एसिड बनाने के लिए, विनेगर बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है. ईस्ट इज ऑल्सो यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. ईस्ट का भी यूज होता है बच्चे इनको बनाने के लिए. फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, वीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस. यानी कि इनके ऊपर जो ईस्ट प्रोड्यूस होती है वो वाली ईस्ट यूज होती है इनके ऊपर, इनमें. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन. मतलब क्या इसका वो प्रोसेस, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, जो यानी कि शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. लुईस पाश्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857. सबसे पहले लुईस पाश्चर ने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन का प्रोसेस 1857 में. नेक्स्ट यूज है बच्चे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. मतलब जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करने में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना रोल प्ले करते हैं. सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन. कुछ बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गा ऐसे हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमोसफियर से लेके मिट्टी में फिक्स कर देते हैं, फिर सॉइल की फर्टिलिटी उससे इंक्रीज हो जाती है. दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर. ठीक है, इनको क्या बोलते हैं?
ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देते हैं। जब सॉइल में फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन को, तो उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। उस माइक्रोब्स को, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। नेक्स्ट इज क्लीनिंग द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट एंड सम टाइम्स डेड एनिमल ऑन द ग्राउंड। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट और एन एनिमल, कन्वर्टिंग दैम इन टू सिंपल सब्सटेंसेस। ये क्या है बच्चे? इसमें है कि हमने बहुत बार देखा है कि प्लांट है गल सड़ जाते हैं, या डेड बॉडीज है एनिमल्स की वो पड़ी होती हैं ग्राउंड पे, और कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं वो बिल्कुल गल जाती हैं और वो खत्म ही हो जाती हैं। वो कैसे डिसअपियर हो जाती है, खत्म कैसे हो जाती है कुछ टाइम के बाद? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डीकम्पोज कर देते हैं उनको बहुत सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में, बहुत छोटे छोटे सब्सटेंसेस में उनको क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे वो होते हैं पेड़ पौधों के पत्ते होते हैं, वो गल सड़ के क्या बन जाते हैं? खाद सी बन जाती है ना बच्चे। दैट इज दीज सब्सटेंसेज आर अगेन यूज बाई अदर प्लांट एंड एनिमल्स। दीज दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डीग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरमेंट। और इस तरह से क्या करते हैं, ये हमारे एनवायरमेंट को क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट है वैक्सीन। वैक्सीन मतलब दवाइयां बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल। ठीक है, ये क्या करते हैं? व्हेन ए डिसीज केयरिंग माइक्रोब एंटर अवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। जब डिसीज केयरिंग माइक्रोब्स एंटर करते हैं तो वो वहां पे क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर अगेन। और बॉडी में क्या हो जाता है, मतलब बॉडी तैयार हो जाती है अगर ये दोबारा एंटर करे तो इनसे कैसे लड़ना है। सो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल देम द प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। मतलब अगर बॉडी में क्या है, ये वैक्सीन हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो ये फाइट कर देते हैं। ठीक है, जो दूसरे आ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनसे लड़ जाते हैं और उनको क्या करते हैं, उनको किल कर देते हैं। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, ये शरीर के अंदर ही रहते हैं और ये क्या करते हैं, ये डिसीज कॉजिंग माइक्रोब से हमारी रक्षा करते हैं। दिस इज हाउ द वैक्सीन वर्क्स। सेवरल डिसीज इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। मतलब इनकी वैक्सीनेशन होते हैं, इनके टीके लगते हैं ऑलरेडी। ठीक है, इनके जब टीके लगते हैं, इनकी वैक्सीनेशन होती है, तो हमारी बॉडी में ये एंटीबॉडीज रहते हैं और अगर हमारे के ऊपर ये डिसीज वाले माइक्रोब्स जब अटैक करते हैं तो ये हमारी वैक्सीन वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबॉडीज हैं ये उनसे फाइट करते हैं और उनको किल कर देते हैं। चिल्ड्रन आर गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व अगेंस्ट सेवरल डिसीज। छोटे बच्चों को बच्चे इंजेक्शन लगते हैं ना, उनके मंथली इंजेक्शन लगते हैं, ईयरली लगते हैं, ये वैक्सीन होती हैं, ये इसीलिए होती हैं इनकी। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन हॉस्पिटल्स, जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम है, ये पोलियो की ड्रॉप्स वगैरह दिलाई जाती है ना, ये सारे, ये कई तरह की डिसीज को रोकने के लिए ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम ये होता है। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, आज हमने इनके बारे में पढ़ लिया है। फ्रेंड और फॉर एक फ्रेंड्स का रोल कैसे प्ले करते हैं ये हमारे लिए। ठीक है, कल हम इनके और आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, हार्मफुल इफेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, यानी कि हमारा फॉर एक ऐसा है, तो इसके बारे में आगे डिटेल हम स्टडी करेंगे कल को। थैंक यू।